अब ये यार मारने वाली बॉल है अभी गोनट नहीं यार 102 रन की पार्टनरशिप गायकवाड़ और स्टोक्स के बीच में भाई साहब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अपने आज खेलने वाले हैं चेन्नई वर्सेस कोलकाता का मैच इन द आईपीएल 2024। हेल यस, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच होने वाला है भाई, क्योंकि धोनी वर्सेस गौतम होने वाला है। ये खतरनाक होगा भाई। तो वेल, इस वीडियो को लाइक गेम होने वाला है 500 लाइक्स का। अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई मैच गजब हो तो लाइक गेम पूरा कर देना, और अगर तुम लोग अगर चेन्नई के सपोर्टर हो तो भाई येलो हार्ट स्पैम करो, अगर तुम लोग कोलकाता के सपोर्टर हो तो पर्पल हार्ट स्पैम करो। जल्दी से वीडियो के अंदर लेट्स गो। अरे वेट, तेरे भाई ने भाई चालू कर दी है पाल वर्ल्ड की सीरीज ऑन द पिक्जार्ड चैनल। तो अगर तुम लोगों को मुझे देखना पसंद है या फिर पाल वर्ल्ड गेम पसंद है तो भाई जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल भी मिल जाएगा, कम्युनिटी में भी डाल ही दूंगा मैं चेकआउट। ओके ओकी डोकी, हियर वी आर राइट नाउ एंड वी गोना प्ले विद चेन्नई। धोनी भाई के साथ खेलने वाले हैं भाई। यहाँ पे टॉस टाइम आ चुकी है गाइस, और कौन जीतेगा टॉस, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं पिछले 2-3 तो टॉस हार चुका हूँ, अगर मैच जीता तो भाई पहले मैं बॉलिंग लेने वाला हूँ। एंड अरे वो लोग फिर टॉस जीत गए, उन्होंने फिर बॉलिंग ले ली भाई, फिर को बॉलिंग लेनी थी यार। MS धोनी एंड कौन आएगा अब साथ में, फिर ऋतुराज गायकवाड़, दे बोथ गोना कम राइट नाउ गाइस। यहाँ पर ये एक फालतू का कट सीन है गाइस। चलो हियर वी गो, द टीम इज हियर, धोनी इज रेडी राइट नाउ, नंबर 7। आज सर पेलेंगे आज। पहली बॉल आ रही है यहाँ पर, धोनी भैया फेस करने वाले हैं, मैं विकेट नहीं देने वाला हूँ। और चौका चला गया है भाई, आज तो यार सेंचुरी तो बनती है भाई, मिनिमम सेंचुरी बनती है। बहुत बार हो गया भाई 80 पे 60 पे आउट होके। धोनी भैया को हम भाई रियल लाइफ में तो देख नहीं पाते, रियल लाइफ में तो थोड़ा मारना ही चाहिए। नहीं पहले यार धोनी भैया से याद आया RCB भाई, RCB से तो भाई भरोसा उठ चुका है मेरा यार। क्या मैनेजमेंट है भाई, क्या खेल रहे हैं भाई, मैक्सवेल को क्यों खिला रहे हो आप जब वो चल ही नहीं रहा भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई। रावत पैप डुप्लेसी फॉर्म में नहीं है, कैमरन ग्रीन को उतारते ही नंबर 1 पे है। अलग ही भाई, अलग ही बकचोदी चल रही है उनकी। तो ऋतुराज भी हैं अभी के लिए स्ट्राइक पे, और आज का पहला अपने लॉफ्ट करने वाले हैं। लेट्स गो हियर, क्या होने वाला है इस बॉल पे, इट इज अ 4। धोनी भी इज बैक ऑन स्ट्राइक, और ये वाला शॉट है ना यार, मेरा मारने का तो मन है बट यार मैं ऐसे ना सेम शॉट पे 2-3 बार आउट हो चुका हूँ, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना वो वाला। गायकवाड़ इज ऑन स्ट्राइक राइट नाउ, और ये मैंने शॉट मारा और ये बच गया। अरे थोड़ी सी स्लो करा रहा है ना ये फिर भी ठीक था। और ये भी यार अभी भी मैंने जल्दी मारा शॉट, मतलब धीरे मारना पड़ेगा इसको। परफेक्ट है, 6 है भाई, पहला छक्का आ गया आज के मैच का। लेट्स गो, 34 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है भाई, दोनों की बराबर सी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड इट इज अ परफेक्ट 6। लेट्स गो भाई साहब, ठोक दिया इस ओवर में पूरा गंदे वाला। पहले आज वैसे मुंबई ने हाईएस्ट स्कोर भी बना दिया है भाई 32 का एक ओवर के अंदर। शायद वो तो अपने क्रॉस खुद से ना कर पाए गेम के अंदर, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रन है 32। छक्के चाहिए भाई बहुत सारे यार। अभी मारने वाली बॉल है बट ये रिस्की है, बट कोई ना धोनी भैया मारना तो देखो पड़ेगा आपको। ये परफेक्ट 6 है भाई साहब, लेट्स गो। धोनी भैया तो थोड़ी छोड़ेंगे, 50 रन की पार्टनरशिप कम्प्लीट हो चुकी है MS धोनी एंड ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। 9 बॉल है, धोनी भैया चौका मार दिया मेरे ख्याल से आपने अभी, मार दिया भाई। वेल इट इज गोइंग टू बी 9 बॉल, तो अपने हिट करने वाले हैं ऑब्वियसली ये वाला शॉट, बट ये चौका ही जाएगा। वेल 21 की रन रेट चल रही है, यहाँ से 400 रन तो बन सकते हैं भाई आज। पहले वेल स्पिनर आ चुका है गाइस धोनी के सामने, और धोनी यार स्पिनर में से खेला नहीं जाता ना। अब ये यार मारने वाली बॉल है, वी गॉट नहीं यार धोनी भैया उधर कर रहा था मैं आपको, इधर क्यों हुए आप क्यों यार, ये तो मतलब नहीं बनता यार। यार मैं उधर मार रहा था भाई, ये गलत शॉट खेला भाई इसने खुद से। रहने को बुलाया जाएगा इस अभी के लिए, जा यार खुद से भाई, मैं तो खेल भी नहीं रहा था भाई जबरदस्ती। भाई ये शॉट मारना था मैंने धोनी के साथ, ये वाला वो मार दिया यार। अंकल जी पानी पिला दीजिए, प्यास लग रही है, हमें प्यास लग रही है भाई। धोनी भी आउट हो गए यार मजे में भाई, मैं शॉट सेट कर रहा था, उसने टू वर्ली में मिल लिया वो। ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑन स्ट्राइक लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज क्या छोड़ दिया, चौका चला गया भाई, शुक्र है। इट इज ठीक ठाक शॉट, चौका चला जाएगा ये भी। वेल KKR खेमा खुश भी है ना खुश भी, एक साथ सही है गौतम भैया। ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑन 44 राइट नाउ, 10 बॉलों के अंदर, इट इज अ परफेक्ट 6 भाई। 11 बॉलों में भाई ने हाफ सेंचुरी कर ली यार, सही है भाई, सही है, नाइस वन गायकवाड़ सर, ठीक है लिया आप। फुल ऑन कुछ है भाई CSK, बट धोनी का विकेट चला गया। मैं चाहता हूँ ना यार जिसकी सेंचुरी कराना उसकी हो ही नहीं पाती भाई। पहले 100 ओवर में तो बस बाउंड्रीज आई हैं गाइस, 100 रन भी पूरे हो गए इसी के साथ चेन्नई के 5 ओवर में। ओए ये क्या है भाई, पहले लगा छोड़ दिया, उसके बाद लगा भाई पकड़ लिया, वाह ये तो बहुत ही घटिया कैच था भाई।
पहल रहने सर गए 12 रन पे, बैन स्टोक्स को बुलाते हैं भाई। बैन स्टोक्स बढ़िया रन मार देना बैन स्टोक्स भैया, ये तो परफेक्ट है, बच गया, ये भी आउट ही होता भाई। भाई तो बहुत ज़्यादा शॉट बॉल है ये, हमने लेट शॉट मारा एंड इट इज़ अ फोर। बैन स्टोक्स भैया मार रहे रन, ऐसी बात नहीं है, कम ऑन बैन स्टोक्स, अरे बच गई भाई, बाय का चौका, वाह सही है भाई, वाइड जाती वरना ही है, बाय का लग गया। पूरे 120 रन, 20 की रन रेट ठीक ही चल रही है, बट धोनी का विकेट चला गया, मैं तो उसी को लेकर रोता रहूंगा भाई। इसी के साथ पिकअप प्लेस टाइम आउट हो चुका है, केकेआर डिसाइड करेगी, केकेआर को भाई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी मेरे को हराने की, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ पिकअप प्लेस स्ट्रैटेजिक टाइम आउट इज ओवर, पावर प्ले खत्म हो चुका है गाइज, अब थोड़ा सा रनों पे लगाम लगाने की कोशिश करेगा केकेआर, बट हम लगाने नहीं देंगे ऑब्वियसली। ऋतुराज भी आए और पहली बॉल पे सिक्सर, इसे कहते हैं वेल इट इज अ फोर, लेट्स गो भाई, लास्ट बॉल थी चौका। इसी के साथ इस ओवर में 5 चौके आ गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑन 76 भाई, सेंचुरी के बहुत क्लोज है अभी। अरे भाई वाइड का चौका है, वाह, बैन स्टोक्स के यार फुल ऑन रन लग रहे हैं अभी, है ना, रिकॉर्ड चौका इसी के साथ गाइस, 3 बॉलों में 4 चौके आ चुके हैं अभी। बैन स्टोक्स इज ऑन 47 राइट नाउ, 14 बॉल के अंदर भाई जी, 1 चौका ही रह चुका है भाई की 50 कराने के लिए, और ये हमने 6 ही मार दिया अभी के लिए, 50 हो गए बैन स्टोक्स की भाई साहब, लेट्स गो बैन स्टोक्स भैया, उठा दो बल्ला, उठाया दिख नहीं रहा यार आपका बल्ला, गलत तो आता है। वेल चेन्नई खुश तो हम भी खुश, वेल आखिरी बॉल खाली गई, बट काफ़ी रन है भाई इस ओवर में, 20 से ऊपर की रन रेट अभी भी चल रही है, 200 रन तो हो जाएंगे 10 ओवर में इजीली अभी अपने। ऋतुराज भी आ गई, अब इस ओवर में सेंचुरी करवा देते हैं ना गाइस, ये लो भाई साहब सिक्सर, 82 पे आ गए, अनदर बॉल एंड इट्स अनदर शॉट, इट्स अ फोर गाइस, लेट्स गो, रोकने की कोशिश करी उसने बट रोक नहीं पाया भाई, हाय चौका भाई साहब एक और, 90 पे आ गया भाई ऋतुराज, सही है 200 रन भी पूरे हो चुके हैं चेन्नई के, लेट्स गो एंड इट इज़ अ लेट शॉट बट इट इज़ अ 494, 102 रन की पार्टनरशिप गायकवाड़ और स्टोक्स के बीच में भाई साहब, ये भी चौका ही लग रहा है मेरे को, इट इज़ अ 498, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड ऋतुराज भी मारने वाले हैं अभी के लिए ये शॉट, 2 रन तो भाग ही लेंगे आराम से, हो गई सेंचुरी गाइस, हो गई, लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन सर, आए हाय क्या बात है भाई, सही है भाई, 100 रन 25 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ भाई साहब, कह सकते हो। अब आ चुके बैन स्टोक्स स्ट्राइक पे, बैन स्टोक्स की भी सेंचुरी कराने की कोशिश करें गाइस अभी के लिए, लेट्स गो, अरे 53 पे आउट हो गया बैन स्टोक्स, बैन स्टोक्स अभी के लिए स्कूल लाया जाएगा, रचिन रविंद्र को बुलाते हैं भाई साहब, चलो भाई सिक्सर गाइस, रचिन रविंद्र ने तो आते ही ठोकना चालू कर दिया यार, अगर तुम्हें याद होगा तो 326 अपने हारे थे चेन्नई के साथ ना SRH वाला मैच, आई होप सो कि आज अपने जीत जाएं, आज सेम गलती थोड़ी करेंगे, अरे रचिन भी गया भाई, ही लॉस्ट द फोर्थ विकेट। जडेजा जी को बुलाते हैं, हमारे लास्ट बैट्समैन है अभी इसके अंदर, चहर और दुबे है आई नो, बट गेम के अंदर नहीं है यार, गेम के अंदर बॉलर दिखा रहे हैं उनको, क्या कर सकते हैं अपने, 2 विकेट आ गए इस ओवर में अभी तो गाइस, ये विकेट आ सकता है, नहीं आएगा ना, बच गया। ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑन स्ट्राइक राइट नाउ और इस ओवर में तो भाई बस ठोकना है अपने को, जितने रन ठोक सकते हैं उतने ठोकेंगे, अभी तो चौका आ गया, 6 है भाई साहब, लेट्स गो, ऋतुराज तो भाई छोड़ेगा नहीं आज, पहले आज अपनी फाइनली 100 तो आई है ना, बट धोनी की चाहता था मैं, धोनी की नहीं आ पाई और ये क्या हो गया, 112 पे गए 28 बॉलों के अंदर यार, ऋतुराज भी आ गए हमारे, वेल प्लेड, दो दुबे को बुलाते हैं गाइस, और अब हम 5 ओवर ऑटो प्ले करने वाले हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली स्लो होने वाला है गेम, 269 पे 6 हैं अभी। जडेजा भाई क्या हो गया स्ट्राइक रेट की इनको, दुबे तो आउट हो गया, चलो चौधरी आ चुके हैं अभी के लिए, वेल लास्ट के 4 ओवर रह चुके हैं गाइस, वी गोना प्ले दोस 4 ओवर्स, कम से कम भी तो 350 ही कोशिश करते हैं, बट यहाँ से यार रन लगेंगे नहीं ना, 5 ओवर में रन मारे नहीं भाई इन्होंने बिल्कुल भी, मैं भाई टॉप के बैट्समैन से खेलता हूँ, नीचे वाले तो मैं स्किप ही करता हूँ, तुम्हें जैसा पता ही है मेरी सारी, अगर तुमने वीडियोस देखी होंगी तो, यार ये गलत हो गया ना, रन स्कोर कम रह गया, थोड़ा फेयरनेस रहेगी, अब 400 रन मार देंगे तो पता ही अपने को जीतना ही है, वरना 326 तो चेज हो जाते हैं भाई, ये भी चौका, पहले ये तो मेरे ख्याल से वाइड ही चली जाएगी ना, ये वाइड गई एंड वाइड का चौका मिल गया भाई अपने को, लेट्स गो, 4 चौके आ चुके हैं 3 बॉलों के अंदर, मुफ्त की रन दे रही है क्या मुझे क्या, एंड इट इज अनदर 4 भाई साहब, 6 बॉलों में 7 चौके आए हैं, क्या बात होगी है, चौधरी भैया तो भाई फुल ऑन मार रहे हैं आज, इट इज अनदर 4 भाई, जडेजा जी थोड़ी पीछे रहेंगे अभी, चौधरी मारेगा तो जडेजा भी मारेंगे, 300 रन इसी के साथ CSK के पूरे हो चुके हैं, 50 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है जडेजा एंड चौधरी के बीच में, नो बॉल है भाई, कैच भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
पहले इट इज अ नो बॉल एंड इट इज अ फोर। एक यार वाले मस्त बैठे हुए हैं, इनको पता है ये हार तो रहे हैं, अभी अभी तो बॉलिंग आनी है भाई। तेरे भाई के पास आज बॉलिंग की एक प्लानिंग है, नॉर्मली करेंगे डोंट वरी, बट तगड़ी बॉलिंग होने वाली है। इट इज अ फोर भाई, ये तो कैच लग रहा है, जड्डू गया। सॉरी ब्रदर बट यू डिड प्ले वेल। किसको बुलाया जाएगा भाई, अपने बुलाएंगे चाहर को। अरे हैट्रिक पे आ गया वो भाई, मेरे को मारना तो है ही, देखो यहाँ से ना बिना मारे तो काम चलेगा नहीं अपना, बट यार बॉले अच्छी करा रहा है ये। शर्मा जी हैट्रिक पे हैं, शर्मा जी की हैट्रिक नहीं होने देंगे हम, डोंट वरी गाइस। ये अपन ने शॉट तो उड़ा दिया है, ये हैट्रिक का तो नहीं हो पाएगा, चौका जरूर चला जाएगा। इट्स अ फोर, लेट्स गो। चौधरी भैया 44 रन पे आ चुके हैं गाइस, और ये हमने शॉट मार तो दिया है, ये पकड़ लेगा क्या, बच गया ना। ये सिक्स मार गया भाई बंदे ने, भाई स्वैग से करी है अपनी हाफ सेंचुरी, सही है ब्रो। वेल ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, 335 रन हो चुके हैं अभी के लिए, एक ओवर बचा हुआ है तो रन तो काफी ठीक लग जाएंगे अपने अभी। एक और चौका इसी के साथ, हाय परफेक्ट सिक्स है भाई, आगे बढ़ के मारा है यार, नाइस वन। वेल फील्ड इन्होंने फिर से कर दी है गंदे वाली, मैं मारने की कोशिश करूंगा पीछे की साइड पे, ये कैच हो जाएगा, हो गया। वेल नोवा विकेट हमारा गिर चुका है पथिराना के रूप में, दो बॉले रह चुकी हैं इस ओवर की, दो बॉले सही से खेल लेना ब्रो। परफेक्ट सिक्स भाई, 55 हो गए, 360 बना सकते हैं यार अभी अपने आराम से। देखिए यार को अपन डिफीट कर देंगे गेम के अंदर, रियल लाइफ का पता नहीं भाई, गेम में तो कर ही देंगे, रियल लाइफ में तो क्या यार बहुत हावी है इस टाइम। है भाई चौका इसी के साथ, 360 रन का टारगेट दिया हम लोगों ने केकेआर को, सीएसके इज डन फाइनली भाई, अब देखते हैं क्या होता है। चलो भाई सीएसके इज बैक अगेन हियर गाइस, बाकी मेरे को लगता नहीं मार पाएंगे, तेरे भाई बोल रहा है ना पिछली वाली, अगर तुमने वीडियो देखी होगी पिछली की पिछली वाली। चलो भाई तगड़ा है, तगड़ा चल रहा है भाई, यहाँ पर आ चुके हैं अय्यर एंड मार्श, और हम लोग बुलाने वाले अभी के लिए रचिन रविंद्र को। मेरे को इसका दिखाना तुम्हें भाई, मैंने ना पिछले से पिछले मैच में करी थी ये तगड़ी वाली बॉलिंग, ये होने वाली है गाइस फ्लिपर के साथ, फ्लिपर है ना इसके पास। वेल वी गोना ट्राई, दो इसको फुल टॉस कराएंगे ना भाई, मिस करेगा ये, बोला मैंने भाई मिस करेगा, लेट्स सी क्या होता है गाइस। हाय देखा मिस किया ना भाई, ऐसे मिस करते हैं भाई, पहला ओवर ही मैडिन जाने देता हूँ मैं, विकेट नहीं ट्राई करता, विकेट ट्राई करेंगे अपने चलो एक आधी बॉल के बाद। भाई ने छोड़ दी, आई नो लोग तुम लोग बोलोगे भाई तू सेम बॉलिंग डाले जा रहा है, भाई पहला ओवर मैडिन चाहता हूँ मैं। अरे सिक्स मार गया ये, पहले अब अपने दूसरी बॉलिंग डालने वाले हैं, वो होने वाली ऑफ स्पिन, इस पर कैच आउट होने के चांसेस होते हैं। अभी मैं ना स्टंप आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्टंप आउट का चांस बन सकता है, यहाँ पर एक और सिक्स चला गया भाई, 12 रन तो फिर भी लगी गए। एक स्टंप आउट की ट्राई कर लेते हैं अपने, ऐसे चलेगा तो भाई हार वाला गेम हो जाएगा फिर। चलो पीछे है, हम लोग बुलाने वाले दुबे को, आ जाओ भाई दुबे भैया, विकेट निकालना है अभी आपने, अभी विकेट टेकिंग बॉलिंग ही कराते हैं गाइस, सेफ्टी वाली कराएंगे अगर लगेगा ना कि विकेट रन जा रहे हैं ज़्यादा। ये कैच कर सकता है क्या, चौका चला जाएगा भाई, सुनील नारायण तो वैसे भी मारता है भाई, सही है। लेट्स सी क्या विकेट आएगा, यहाँ पर सिक्स मार दिया भाई ने यार, मेरे को मैडिन ओवर चाहिए था यार पहला, बात ये भी अब चौके छक्कों में बात करते हैं अपने से। इट इज़ टाइम फॉर अ यॉर्कर बॉल, विकेट चाहिए अपने को, देखते हैं विकेट आया क्या, नहीं आया, पीछे निकाल के चौका ले गया। पहले अब अपने को एक बॉल तो खाली जाने की कोशिश करनी पड़ेगी गाइस, ये बाहर आके मारेगा बस, फिर चौका यार, क्या मतलब है ये, 17 की रन रेट होगी भाई इनकी, 18 की तो रिक्वायर्ड है। हम बुलाएंगे रचिन रविंद्र को वापस एक बार के लिए, ये फिर भाई यार फील्ड चेंज करो, ये निकालने जा रहे हैं मजे मजे में चौके, फील्ड चेंज करनी पड़ेगी गाइस अभी के लिए अपने को, वही निकाल रहा था ना, अब फील्डर है भाई अपनी जाएगा चौका। आए नाइस बॉलिंग यार, सिर्फ 7 रन आए इस ओवर से, रन रेट काफ़ी घट गई है अभी के लिए, हम बुलाएंगे जडेजा को। पहले गाइस बात ये है कि अगर ये अपने को पहले 6 ओवर के अंदर 120 के आसपास नहीं मार पाया ना तो इनकी तो बैंड बच जाएगी भाई, पहला छक्का तो आ गया, कैच कर ले भाई, सिक्स यार, सिक्स चला गया एक और। वेल गाइस फ्लिपर ही डालनी पड़ेगी, इनके 50 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है और इसके बाद मेरे को एक आधी यॉर्कर ट्राई करनी पड़ेगी भाई, यार ये चौका नहीं जाना चाहिए था। सुनील नारायण भाई ठुक के जा रहे हैं मेरे को अभी के लिए गंदे तरीके से रन, नाइस बॉलिंग, पप्पा बाहर खिलाने गाइस, फिर अंदर आएगी बॉल, नहीं मार पा रहा भाई, इसे कहते हैं बॉलिंग, ये बढ़िया है ना भाई, मेरे को फ्लिपर ही बचाएगी इस गेम में पूरा। मैं एक दो बॉल ट्राई करूंगा विकेट की, बाकी फ्लिपर मारूंगा, तक्षणा को बुलाते हैं, आ जाओ कमॉन तक्षणा कमॉन यार, सिक्स मार देता है ना ये ऐसी बॉल पे, या तो फास्ट बॉलर आना पड़ेगा। अरे यार ये एक स्टेप आउट वाली बॉल ही नहीं थी यार, पहले हमने दो छक्के खा लिए, इसका मतलब है कि बस अब फ्लिपर पे फ्लिपर आनी चाहिए अपनी तो। अरे कैच कर ले ब्रो,
बाहर से अंदर आनी चाहिए बॉल अभी के लिए, वाइड नहीं जाएगी, बढ़िया फिर बाहर आ गया ये, अरे आउट कर, लेट्स गो, स्टेप आउट का विकेट मिल गया, स्टेप आउट का विकेट मिल गया भाई, फ्लिपर इसमें भी काम करती है यार, क्लियर आउट है भाई, देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ बहुत आगे था भाई ये, इट इज एन आउट, पहला विकेट आया गाइस, लेट्स गो। वेल नॉर्मल है भाई ये बॉलिंग तो पूरी, मेरे को रन रोकने, रन ऐसे रुक जाएंगे पूरे, छोड़ दी ना, अच्छा स्टेप आउट करेंगे तो बल्ले के नीचे से निकलेगी निकलेगी बॉल, तो अपने को यही टेक्निक रखनी चाहिए अभी अपने पास, बट आई नो तुम लोग बोर हो रहे होगे, तो इसलिए हम लोग चौधरी को बुलाने वाले हैं और थोड़ी बहुत यॉर्कर्स कराने वाले हैं इस ओवर में, रायन का विकेट निकाल दें अगर अपने यॉर्कर के साथ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना तो छक्के तो खाने ही हैं अपन ने, हाई स्कोरिंग मैच में ऐसे ही होता है भाई, अगर तुम लोग टारगेट ले रहे हो ना तो भाई तुम लोग जीरो पे ऑल आउट कर सकते हो, और अगर तुमने टारगेट दे रखा है तो भाई भूल जाओ, बट अभी भी अपने ट्राई करेंगे कोई ना, एक और सिक्स मार गया गाइस, बस सुनील नारायण का विकेट निकालना है यार, 46 पे बैठा हुआ है ये, पूजा कैच कर ले भाई, चौका कर गया, छक्का कर गया 50, भाई की शक्ल ही नहीं दिख रही, बट केकेआर बहुत खुश होने वाला ऑब्वियसली, केकेआर इज हैप्पी, दैट मीन्स वी आर सैड, यॉर्कर तो काम कर नहीं रही, 3 छक्के खा लिए यॉर्कर पे अपन ने, देख लो बोलते हो ना कि यॉर्कर यॉर्कर भाई विकेट नहीं आते हैं, ये आउट हो गया लेग कटर पे, शुक्र है ऐसे ट्राई करना पड़ता है भाई, रिव्यू ले लिया भैया ने अभी, इट इज एम्पायर्स कॉल भाई, लेट्स गो, चलो विकेट तो विकेट है, अलविदा अलविदा आप कहना और क्या, अब गाइज अपन ने एक विकेट ले लिया, अब मेरे को लगता नहीं अपने को विकेट की खास जरूरत पड़ने वाली है, ट्राई करते हैं ये दो बॉल डॉट बॉल्स निकल जाएं तो 6 ओवर में 90 पे रोक लें अपने इनको, ये तो भाई वाइड होगी यार, चलो भाई इसी के साथ ओवर खत्म, आई नो छक्के काफ़ी पड़ गए हैं बट सुनील नारायण का विकेट आ गया, अभी रसल आया हुआ है भाई, अब बात ये है गाइस कि अगले ओवर में अपने देखते हैं कितने रन पड़ते हैं, अगर कम रन पड़ेंगे तो भाई अपने जीत तो जाएंगे ही, फिर अपने स्किप ही कर देंगे ना बीच का रन रेट, जबकि 15 की चल रही है इनकी रन रेट, काफ़ी ठीक है भाई, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बुलाने वाले हैं अभी के लिए जडेजा को वापस, लेफ्टी है सेट है मामला, बाहर अपने कराने वाले हैं इसको, ये देखो अंदर आई वाइड नहीं गई, अब भाई अगर मैं थोड़ा पीछे से कराऊंगा ना तो स्टेप आउट करने के चांसेस हो सकते थे, अभी तो 6 पड़ गया और मैंने फील्ड सेट नहीं कर रखी, क्यों नहीं कर रखी, पहले अगर इस ओवर में 6 रन पे भी रोक दिया तो भी ठीक है भाई, मेरे को इनकी रन रेट ही गिरानी है मेन, तो भाई अपन ने सेट कर दिया फील्ड अभी के लिए मेन फोकस तो गाइज अपना यही है कि अपने बस इनकी रन रेट घटाएं, एंड रन रेट घट रही है, पहले 7 रन पे भी रुक जाए ओवर तो भी ठीक है यार, नहीं रुक पाएगा, 6 आ गया, 13 रन फिर आ गए भाई, अच्छा खासा ओवर जा रहा था ये, वाइड क्यों दी इसने भाई, वेल अपने गाइस मैच तो जीत ही चुके हैं, अपने काम करते हैं, चौधरी जी को बुलाते हैं यहाँ पर, अभी के लिए ड्रिंक्स ब्रेक हो गया भाई, हम लोग करने वाले हैं अभी के लिए ऑटो प्ले, वी गोना स्पेंड सम कॉइंस राइट नाउ, 156 पे 3 खत्म भाई, गेम इनका बिल्कुल खत्म हो चुका है, जबकि राय अभी 40 पे खेल रहा है, रिंकू सिंह भी आ रहा है, बट इट इज गॉन, दीपक चार को बुलाते हैं, एक आधी बॉल डाल के देखे हैं कैसे जा रही है, वेल 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 वाइड बॉल, वेल इसी बात पे वी गोना स्किप अनदर 5 ओवर्स, जीते तो पड़े हैं भाई 213, आप तो रन बनते नहीं, देखो 100 रन, तो देखो अगर मैं सारी ओवर में बॉलिंग भी करता ना तो भी नहीं जीत पाते, क्योंकि मैं फ्लिपर पे फ्लिपर डालने वाला था, अभी भी मैं रचिन रविंद्र को बुला के फ्लिपर ही डाल दूंगा आज के मैच में, मेरा मन है भाई बस फ्लिपर डालता रहूंगा, भाई लोग रन नहीं मार पाएंगे, ये एक और फ्लिपर आएगी गाइस, देख रहे हो बेचारा मारने की कोशिश कर रहा है भाई, छक्के नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भाई तगड़ी बॉल डाल रहा हूँ मैं बस वाइड रेंज में रख रहा हूँ भाई, रियल लाइफ में भी ऐसे ही कर रहे हैं ये, अगर तुम आईपीएल मैच देख रहे हो तो सेम टू सेम भाई डिटो, सारे के सारे बॉलर इसी लाइन पर रख दे रहे हैं बॉल, जिससे कि बल्ले पे लगे ना, देख रहे हो, अरे ये मैंने एक थोड़ी गलत बॉल डाल दी ना, ये वैसे 6 चला जाएगा इस बॉल पे, मेरे को पता था भाई फ्लिपर के अलावा जो भी डालूंगा छक्के पे छक्के पड़ने हैं, 6 छक्के कम से कम, ये फ्लिपर आई ये नहीं मार पाया, सिर्फ 6 रन आए, हम बुलाने वाले हैं रविंद्र जडेजा जी को एक और ओवर के लिए, विकेट नहीं आ पाया आई नो बट वी डिड अ गुड बॉलिंग, दो तुम लोगों को बॉलिंग सिखा दी मैंने, एक और क्या दिक्कत की बात है, जब अपने हार्ड मोड में खेलेंगे ना एलपीएल भाई ये काम आएगी बॉलिंग फुल, 6 पड़ी गया, पर पहले अब अपने जीत तो चुके हैं ही तो क्यों ना अपने विकेट लेने की कोशिश करें फुल ऑन, जडेजा भाई रेडी हैं अभी के लिए, 13 भाई अपने स्टाइल की बॉलिंग करने वाला है अब इस मैच में भी, अब अपने जीत तो गए हैं भाई, 2 ओवर में रन तो बनते नहीं इनसे, ट्राई कर लेते हैं, छक्के ही खाएंगे और तो क्या हो जाएगा, एक और 6, लेट मी ट्राई दिस वन, ये भी 6 चला गया, मैं बोल रहा हूँ भाई कोई भी डालूंगा छक्का जाएगा, 4 छक्के आ चुके हैं, तो अभी हम कराने वाले हैं फ्लिपर गाइस, 44 पे पहुँच गया भाई अय्यर, क्या बात होगी है, कोई नहीं अय्यर भाई अब नहीं मार सकते आप, अब नहीं मारने दूंगा भाई मैं आपको, आपकी हाफ सेंचुरी नहीं होने दूंगा, वो ट्राई करके बैठा हुआ आपकी नहीं होने दूंगा, बस
बाहर आ गया वैसे, छोड़ दी भाई ने, इसी के साथ ओवर खत्म। 4 छक्के आए, 116 की रिक्वायर्ड रन रेट है। इसी बात पे फिर हम बुलाने वाले हैं फास्ट बॉलर को, और लास्ट ओवर होने वाला गाइस फुल ऑन यॉर्कर दुबे को बुलाएंगे। पहले अगर यॉर्कर पे छक्के खाएंगे तो खाएंगे भाई, पता नहीं मेरे को। पहली रिवर्स स्विंग डाल रहा हूँ मैं, बिकॉज वी हैव वन द गेम। पहला सिक्स आ गया यार, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, अपना स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे भाई, जैसे पहले ले रहे थे ना भाई। 8-8 ओवर में अपनी इनिंग खत्म कर रहे थे इनकी, अब हो नहीं रही। इस पर भी सिक्स ही मारेगा, ये बढ़के तो आगे आया ही था। अब बात आ चुकी है रेप्यूटेशन की, रेप्यूटेशन के नाम पे हम आउटस्विंग कराएंगे अब भाई। हम कोशिश करेंगे कि भाई अब डॉट चली जाए, एक आधी बॉल तो चल जाएगा अपना काम, क्योंकि कई बार मेरे को स्कोर बचाना पड़ता है भाई। इट इज़ अ डॉट बॉल गाइज, ये अगर 6 छक्के मार देता ना तो शायद तक आ रही है। वाइड चलेगी यार, ये 6 छक्के मार देता तो इसकी सेंचुरी हो जाती भाई। कोई नाम सेंचुरी नहीं होने देंगे भाई की अभी। भाई डॉट बॉल, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड द इनिंग गाइज। इसी के साथ चेन्नई वर्सेस केकेआर का मैच खत्म होएगा। चेन्नई जीत चुकी है डॉट बॉल के साथ, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। रियल लाइफ में देखते हैं क्या चेन्नई फाइनली कमबैक कर पाएगी 2 हार के बाद, और या फिर क्या रन भी टन रहेगी। बाकी मैं तो पनौती हूँ, मैं तो जिस टीम के साथ खेलता हूँ भाई वो टीम हार ही जाती है। वेल देखते हैं क्या होता है, लाइक एंड पूरा करते हैं। टिल बाय, हैव फन, बाय बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।